हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल सब्जेक्ट का रूट ऑफ पेरेंटल थेरेपी, जो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक है। तो आज हम देखते हैं रूट ऑफ पेरेंटल थेरेपीज। तो कौन कौन से रूट होते हैं पेरेंटल थेरेपीज के लिए? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और एडवांस टेक्नोलॉजीज में कुछ रूट होते हैं, जैसे कि एपिड्यूरल, इंट्राथीकल, इंट्रा ओसियस, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा प्लूरल एंड इंट्रा आर्टीरियल। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इनटू द डर्मल लेयर ऑफ स्किन जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है? जो स्किन की डर्मल लेयर है उसमें, जो कि जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस होती है, ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है डर्मल लेयर, उसमें जो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है। यूजुअली ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज यूज, ठीक है, इसके लिए एक स्मॉल अमाउंट लिक्विड ही यूज में लिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0.1 ml ना लिक्विड ही यूज लिया जाता है। दिस इज मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर एलर्जिक रिएक्शन एंड ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग। मतलब जो ये मेथड है वो फ्रीक्वेंटली, जैसे कि एलर्जिक टेस्ट करने के लिए फ्रीक्वेंटली इसको यूज में लिया जा सकता है, और ट्यूबरक्लोसिस जो स्क्रीनिंग है उसके लिए भी इसको यूज में लेते हैं। उसके बाद में यूज ए ट्यूबरकुलिन और स्मॉल हाइपोडर्मिक सीरीज फॉर स्किन टेस्टिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ ए इंट्राडर्मल, मतलब जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते समय जो नीडल का एंगल रखा जाता है वो 5 to 15 degree होता है, ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। तो ये 5 to 15 degree एंगल पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो इंजेक्शन, जो मेडिकेशन है वो इंजेक्ट करने के बाद में वहाँ पे स्किन पे स्मॉल प्लेब बन जाता है, जैसे कि मॉस्किटो बाइट हो गया, जैसे कि मच्छर ने जैसे काटने के बाद में जो जैसे छोटा सा एक ब्लैब बन जाता है, उसी तरह का ही स्किन के सरफेस पे ऐसा ब्लैब बन जाएगा। उसके बाद में है सेकंड है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन साइट, मतलब सबक्यूटेनियस की इंजेक्शन देने की अलग अलग साइट हो सकती है, जैसे कि आउटर पोजीशन एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, ठीक है, एब्डोमन, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है, द स्कैपुलर एरिया ऑफ अपर बैक एंड द अपर वेंट्रल और डोर्सल ग्लूटियल एरिया, ठीक है। और कौन कौन सी ड्रग है वो सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं? सबसे पहले होता है वैक्सीन दे सकते हैं सबक्यूटेनियस, और प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन दी जाती है, नारकोटिक्स दिए जाते हैं, इंसुलिन दिया जाता है, हेपेरिन दिया जाता है। और इस रूट से जो मेडिकेशन दी जाती है उसका वॉल्यूम 0.5 to 1.5 ml तक होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो नीडल के जो एंगल होता है इंसर्जन का स्किन में वो होता है 45 degree एंगल पे ये इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो एंगल होता है इंसर्शन का नीडल का वो 90 degree होता है, ठीक है, 90 degree एंगल पे IM इंजेक्शन दिया जाता है। और इसमें जो मेडिकेशन का जो वॉल्यूम होता है वो 2 to 5 ml तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं इनटू लात मसल्स, ठीक है। और IM इंजेक्शन देने की भी कुछ साइट होते हैं, जैसे कि वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल, वास्टर लेटरालिस, डेंटोइड और रेक्टस फीमोरिस, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है वेंट्रोग्लूटियल साइट। वेंट्रोग्लूटियल साइट कौन सी होती है? इंजेक्शन इज गिवन टू ग्लूटियल मीडियस मसल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूटियस मीडियस मसल होते हैं उसके अंदर इसमें इंजेक्शन दिया जाता है।
ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि क्लाइंट को पोजीशन देते हैं प्रोन या फिर साइड लाइंग पोजीशन देते हैं, ठीक है, विद नी बेंड, नी को बेंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो द नर्स प्लेस द हील ऑफ द हैंड ऑन क्लाइंट ग्रेटर ट्रोकेंटर, जो क्लाइंट का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है उस पे नर्स जो भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहा है जो नर्सिंग स्टाफ, वो अपने हील को ग्रेटर हैंड के हील को ग्रेटर ट्रोकेंटर पर रखेगी, ठीक है। उसके बाद में विद द फिंगर पॉइंटिंग टुवार्ड्स द क्लाइंट हैंड, ठीक है, और फिंगर्स पेशेंट के हेड की तरफ होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देखिए इस तरह से, ठीक है। तो जो जो नर्स का जो हेड का जो हील है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पर रखा हुआ है, और जो फिंगर की डायरेक्शन है वो पेशेंट के हेड की तरफ है, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट ऑफ थंब टुवार्ड्स द पेशेंट ग्रोइन, ठीक है, जो थंब है थंब होगा वो पेशेंट की ग्रोइन की तरफ होगा, ठीक है, और टुवार्ड्स द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक, और जो इंडेक्स फिंगर होगी, इंडेक्स फिंगर टुवार्ड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो इंडेक्स फिंगर होगी वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की तरफ होगी, ठीक है। एक्सटेंड द मिडल फिंगर बैक अलोंग द इलियक क्रस्ट, और जो मिडल फिंगर होगी वो एक्सटेंड करने के बाद में जो इलियक क्रस्ट है उसकी तरफ होगी, ठीक है। उसके बाद में द इंडेक्स फिंगर द मिडल फिंगर एंड द इलियक क्रस्ट फॉर में वी शेप ट्राइंगल, तो इस तरह से एक हैंड को रखने के बाद में एक वी शेप ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, और उस वी शेप ट्राइंगल के अंदर ही हमको इंजेक्शन देना, ठीक है। तो आप इस तरह से इस इमेज से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि जो नर्स का जो हैंड है वो उसकी जो हील है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पर रखी हुई है, उसके बाद में उसके जो थंब है वो ग्रोइन की तरफ है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट की तरफ है, ठीक है, और उनके बीच में दोनों फिंगर्स के बीच में जो लोकेशन है वो होती है ग्लूटियस मीडियस, और उसी में ही इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद में सेकंड है डोर्सो ग्लूटियल साइड, डोर्सो ग्लूटियल साइड कौन सी होती है कि इंजेक्शन गिवन टू द ग्लूटियस मैक्सिमम मसल्स, ग्लूटियल मैक्सिमस मसल्स में जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है, उसको डोर्सो ग्लूटियल साइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को प्रोन पोजीशन दी जाती है और जो एक बटक्स है उस पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है इनटू फोर क्वाड्रेंट, फोर एक बटक्स को फोर भागों में बांटा जाता है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन के थ्रू, और जो बटेक्स का जो अपर एंड आउटर पार्ट होता है उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में वेस्टस लेटरलिस, तो मसल्स इज लोकेटेड ऑन एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ठीक है, तो वेस्टल लेटरलिस जो होती है वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में होती है, ठीक है, तो वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद में लैंडमार्क इज एस्टेब्लिश बाय डिवाइडेड द एरिया बिटवीन द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एंड द लेटरल फीमोरल इनटू थर्ड एंड सेलेक्टिंग द मिडल थर्ड। उसके बाद में है डेल्टोइड साइड फाउंड ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, ठीक है, डेल्टोइड मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, जो अपर आर्म है वहाँ के लेटरल एस्पेक्ट्स में प्रेजेंट होती है, और लोकेट द साइट बाय प्लेसिंग फोर फिंगर्स अक्रॉस द डेल्टोइड मसल्स, व्हेन द टॉप ऑफ फिंगर अलोंग द एक्रोमियन प्रोसेस द इंजेक्शन साइट इज देन थ्री फिंगर विद बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो डेल्टोइड मसल्स है उस पर फोर फिंगर रखी जाती है फोर क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, क्रॉस डेल्टोइड मसल्स को क्रॉस करते हुए फोर फिंगर रखी जाती है विद द टॉप फिंगर, उसमें क्या होता है जो टॉप फिंगर होती है वो एक्रोमियन प्रोसेस पे रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो इंजेक्शन जो लगाना होता है वो एक्रोमियन प्रोसेस से थ्री फिंगर नीचे की तरफ लगाना होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देखिए,
तो ये एक्रोमियन प्रोसेस है। इस पे फर्स्ट फिंगर रखी हुई है और उसके बाद में थ्री फिंगर छोड़ के उसके बाद में डेंटोइड मसल्स पे इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद में ये है डेंटोइड मसल्स एंड ये इंजेक्शन यहाँ पे। उसके बाद में रेक्टस फिमोरिस, इट इज यूज ओकेजनली फॉर IM इंजेक्शन सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो रेक्टस फिमोरिस जो है वो कहा दिया जाता है कि IM इंजेक्शन है सिचुएटेड ऑन द, ये कहाँ सिचुएटेड होता है रेक्टस फिमोरिस मसल्स, ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई में प्रेजेंट होती है, वहाँ इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद में ये देखिए ये सब तरह के इंजेक्शन और एंगल दिए हुए हैं। सबसे पहले इंट्राडर्मल जो कि 10-15 degree या 5-15 degree पे इसको दिया जाता है, ठीक है, इन द डर्मिस लेयर। और जो उसके बाद में सबक्यूटेनियस है, जो सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है 45 degree एंगल पे। उसके बाद में IM इंजेक्शन दिया जाता है जो मसल्स में दिया जाता है 90 degree पे। उसके बाद में जेड ट्रैक मेथड ऑफ इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। जेड ट्रैक मेथड में क्या होता है, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग IM इंजेक्शन द जेड ट्रैक मेथड इज यूज टू मिनिमाइज लोकल स्किन इरिटेशन बाय सीलिंग द मेडिकेशन इन मसल्स टिश्यू। ठीक है, जब IM इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है तो जेड ट्रैक मेथड का यूज करते हैं उसमें, ठीक है। किस लिए करते हैं कि जो लोकल इरिटेशन है वो कम हो सके, ठीक है, और जो मेडिकेशन है वो मसल्स टिश्यू में इजीली एब्जॉर्ब हो सके। और जेड ट्रैक मेथड हैज़ बीन फाउंड टू बी लेस पेनफुल टेक्निक, ठीक है, एक लेस पेनफुल टेक्निक है एंड इस डिक्रीज लीकेज ऑफ इरिटेटिंग मेडिकेशन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मसल्स में इंजेक्शन देने के बाद में जो मेडिकेशन का लीकेज है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है, लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं जिसकी वजह से इरिटेशन भी कम होता है, ठीक है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जेड ट्रैक मेथड पुल द ओवरलाइंग स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू अप्रोक्सीमेटली 2.5-3.5 centimeter लेटरली और डाउनवर्ड। इसमें क्या करते हैं कि जेड ट्रैक मेथड में क्या करते हैं कि जो कि स्किन होती है और सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है उनको 25-35 centimeter लेटरली पुश किया जाता है, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड उनको पुश किया जाता है या फिर लेटरली पुश किया जाता है, उसके बाद में इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, हेल्ड द इंजेक्शन दिस, और उसके बाद में पुश करने के बाद में उसको क्या करते हैं कि पोजीशन को उसी पोजीशन में रखा जाता है स्किन को जब तक कि इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर दिया जाए। उसके बाद में क्या करते हैं, विद द नीडल एट द 90 degree एंगल टू द साइट एडमिनिस्टर द मेडिसिन। उसके बाद में क्या करते हैं कि नीडल को 90 degree एंगल पे एडमिनिस्टर करते हैं और मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नीडल को रिमूव करने के बाद में स्किन को छोड़ दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए स्किन पुल्ड, पहले स्किन को पुल किया गया है, ठीक है, उसके बाद में मेडिकेशन नीडल इंसर्ट करने के बाद मेडिकेशन दे दी गई है, उसके बाद में स्किन को रिलीज कर दिया गया जिससे कि ये जेड ट्रैक जो है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। नीडल इज इंजेक्टेड इनटू वेन, नीडल वेन के अंदर इंजेक्ट की जाती है डायरेक्टली IV और IV पुश या फिर IV इन्फ्यूज़न। डायरेक्टली IV मेडिकेशन देने के लिए, IV पुश करने के लिए या फिर IV इन्फ्यूज़न देने के लिए, ठीक है, ये एक मोस्ट रैपिड रूट माना जाता है मेडिकेशन के एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। इसमें जो नीडल एंगल, नीडल का जो एंगल ऑफ इंसर्शन होता है वो 25 degree होता है, ठीक है। और फॉर अडल्ट्स में कौन कौन सी वेन होती है आर्म की जिससे कि IM इंजेक्शन दे सकते हैं, तो बेसिलिक वेन, मीडियल क्यूबाइटल वेन, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वेन्स कहाँ कहाँ होती हैं, और डोर्सल वेन, मीडियल वेन, रेडियल वेन, स्फेलिक वेन, ठीक है। और फुट की जो वेन होती है वो ग्रेटर सिफेनियस वेन होती है और डोर्सल फ्लेक्सस वेन होती है। उसके बाद में पार्ट्स देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ एन IV इन्फ्यूज़न सेट। IV इन्फ्यूज़न के पार्ट, सबसे पहले स्पाइक होता है जहाँ से
जो ये जो ड्रिप सेट है वो आईवी फ्लूड के अंदर इंसर्ट किया जाता है, बॉटल्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है स्पाइक के थ्रू। उसके बाद में एयर वेंटेड होती है, ठीक है, जहाँ से एयर का मूवमेंट होता है। उसके बाद में ड्रिप चैम्बर होता है, उसके बाद में सॉल्यूशन फिल्टर लगा होता है, उसके बाद में ट्यूब्स होती है, उसके बाद में रोलर क्लैंप होता है जिससे कि जो ड्रॉप है, ड्रॉप फैक्टर है वो सेट किया जाता है, उसके बाद में इंजेक्शन साइट होती है, उसके बाद में कनेक्टर होता है और लास्ट में नीडल लगी होती है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन टू ऑब्जर्व फॉर ड्यूरिंग आईवी थेरेपी, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है आईवी थेरेपी के दौरान। तो सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन होता है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि एस्केप ऑफ फ्लूड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू डिसलोजमेंट ऑफ नीडल कॉजिंग स्वेलिंग एंड पेन। इसमें क्या होता है कि जो नीडल है उसके डिसलोजिंग के कारण क्या होता है कि वहाँ पे फ्लूड सबक्यूटेनियस टिश्यू में फ्लूड का एस्केप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से स्वेलिंग और पेन होता है। ग्रोस इनफिल्ट्रेशन में रिजल्ट इन नर्व कॉम्प्रेशन इंजरी विच कैन रिजल्ट इन परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी और इन केस ऑफ इरिटेटिंग मेडिकेशन वेसिकेशन, ठीक है। तो जो ग्रोस इनफिल्ट्रेशन होता है उसकी वजह से नर्व भी कंप्रेस हो जाती है और नर्व में इंजरी भी हो सकती है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि ठीक है, तो परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो सकता है और इन केस ऑफ इरिटेटिंग मेडिकेशन सिमेसिकेंट सिग्निफिकेंट टिश्यू लॉस परमानेंट डिसफिगरमेंट और लॉस ऑफ फंक्शन में रिजल्ट, ठीक है। व्हेन देयर इज इनफिल्ट्रेशन द साइट शुड बी चेंज, अगर इनफिल्ट्रेशन होता है तो साइट आईवी जो साइट है वो चेंज कर देनी चाहिए। सेकेंड है फ्लेबाइटिस हो सकता है। फ्लेबाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन होता है। दिस में रिजल्ट ये किस लिए होता है, तो केमिकल ट्रॉमा की मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से भी होता है और केमिकल ट्रॉमा की वजह से भी होता है। मैकेनिकल ट्रॉमा कैसे हो जाए कि जब स्मॉल वेन के अंदर बिग नीडल इंसर्ट की जाए, ठीक है, और इस डिवाइस को लंबे टाइम तक वहीं पर रखा जाए, तो इसकी वजह से मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है। उसके बाद में केमिकल ट्रॉमा, केमिकल ट्रॉमा किस लिए होता है कि जब सॉल्यूशन सॉल्यूशन या फिर इन्फ्यूजिंग है वो इरिटेशन करे, ठीक है, तो या फिर उसका जो मतलब नहीं इस मतलब इसका मतलब ये है कि जो इरिटेशन सॉल्यूशन है वो इरिटेशन करे। क्यों करें कि क्योंकि उसका या तो इन्फ्यूज़न रैपिडली किया जाए तो इसकी वजह से इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, और पेन या बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है वहाँ पर, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन करने पे वहाँ पे रेडनेस इंक्रीज टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद में द साइट शुड बी चेंज एंड वॉर्म कंप्रेशन शुड बी अप्लाई, ठीक है। अगर फ्लेबाइटिस हुआ है तो वहाँ पे साइट चेंज करने देनी चाहिए, ठीक है, और वॉर्म कंप्रेशन करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। थर्ड होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूड कंपार्टमेंट कंटेनिंग मोर फ्लूड, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट होता है वो, उसमें क्या होता है कि मोर फ्लूड का अक्यूमुलेशन होना देन नॉर्मल, ठीक है। दिस अकर्स व्हेन इन्फ्यूजन इज टू रैपिड और एक्सेस वॉल्यूम, ठीक है, तो इस इन्फ्यूजन के कारण तो रैपिड और एक्सेस वॉल्यूम के इन्फ्यूजन के कारण ये होता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, कफ हो सकता है, फ्रोथी स्पूटम गर्गलिंग साउंड ऑन रेस्पिरेशन एस्पिरेशन हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, किस वजह से होगा कि जो ट्रेवलिंग एयर एम्बोलाई होगा, ठीक है, ब्लड में, या फिर या तो एयर एम्बोलाई होगा या फिर कोई क्लोट होगा ब्लड का, तो उसकी वजह से ब्लड वेसल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, और ये एक फेटल कंडीशन होती है। उसके बाद में ड्यूटी ऑफ नर्स ड्यूरिंग आईवी थेरेपी, ठीक है, नर्स की क्या ड्यूटी है आईवी थेरेपी के दौरान। एक्सप्लेन द नीडल, एक्सप्लेन द नीड फॉर द आईवी थेरेपी, ठीक है, आईवी थेरेपी क्यों की क्या नीड है वो एक्सप्लेन करनी चाहिए पेशेंट को। व्हाट टू एक्सपेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी,
ठीक है, कितने टाइम तक थेरेपी चलेगी, ठीक है, और कौन कौन सी एक्टिविटी वो परमिटिंग है ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन टू बी मेड हेल्ड द पेशेंट टू मेंटेन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ठीक है, और बाथिंग एंड ग्रूमिंग एंड फीडिंग, ठीक है, तो इस इन सब चीज़ों में पेशेंट की हेल्प करनी चाहिए, और ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड ऑन द फ्लोरेट और पेटेंसी ऑफ ट्यूबिंग, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए फ्लोरेट का, ठीक है, और ट्यूब की पेटेंसी मेंटेन करनी चाहिए, इन्फ्यूजन साइट का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, लेवल ऑफ फ्लूड इन इन्फ्यूजन बैग एंड बॉटल, ठीक है, और पेशेंट कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए, और ये रिएक्शन, कोई रिएक्शन या कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है उसका ध्यान रखना चाहिए, और चेंज द ड्रेसिंग ऑन द आईवी लाइन मे बी नेसेसरी, ठीक है, अगर आईवी लाइन पे जो ड्रेसिंग है अगर उसकी रिक्वायर चेंज करने की रिक्वायर है तो उसको भी चेंज करना चाहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।